आज की जो वीडियो होने वाली बहुत एपिक है, बिकॉज इसमें आपको मैं स्टॉप भी करना सिखाने वाला हूँ। दिस इज वन ऑफ द इजिएस्ट स्टंट, बिकॉज इसमें आपको सिर्फ ब्रेक दबानी है एंड आप स्टॉप भी कर सकते हो। लेकिन दिस कैन गेट अगली टू, बिकॉज आप ओवर द बार्स जा सकते हो। लेकिन इस स्टंट के लिए आपको जरूर प्रोटेक्शन पहननी है, स्पेशली एल्बो गार्ड्स पहनने हैं, ग्लव्स पहनने हैं एंड इवन हेलमेट पहनना है। ऑब्वियसली एक सेफ लोकेशन पे करना, बिकॉज कभी आप रोड पे करते हो एंड अगर आपने स्टॉप ही करी, पीछे से बंदा आ गया, दे कैन इवन हिट यू। यू माइट हैव नोटिस कि मेरे पास नई साइकिल आई है, इवन मैंने इसकी रील भी डाली थी। सो दिस इज द काया स्प्लिट रीलोडेड, दिस इज अ न्यू मॉडल। लेकिन मोर अबाउट दिस बाइसाइकिल इन द एंड ऑफ द वीडियो। विल क्विकली लर्न कि आपको स्टॉपिंग कैसे करनी है। नाउ विल चेक दिस स्टेप वन। उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी ब्रेक चेक्स करनी है। सो बेसिकली काफ़ी ऐसी बाइसाइकिल ब्रेक्स आती है जो हाइड्रोलिक होती है एंड काफ़ी ऐसी आती है जो मैकेनिकल होती है। अगर आप हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज़ कर रहे हैं, अपने सिंगल फिंगर भी प्रेस कर देते हैं तो आपकी साइकिल स्टॉपिंग में आ जाती है। लेकिन अगर मैकेनिकल डिस्क ब्रेक देखेंगे, जैसे आज की जो वीडियो है वो इसी बारे में है कि मैकेनिकल डिस्क ब्रेक में कैसे स्टॉपिंग मारनी है, तो उसमें अगर आप नोटिस करेंगे आपको पूरा अपना हैंड लेके दबाना पड़ेगा। तो दिस इज द स्टेप वन। आपको थोड़ी सी स्पीड जानी है एंड अपना ब्रेक दबाना है एंड यू गॉन सी स्टॉपिंग नहीं लग रही है। मैं फिर से एक बार ट्राई करूंगा। दिस इज हाउ यू गॉना लर्न कि आपको स्टॉप कैसे करना है अपने व्हील एंड कितना ही प्रेशर देके आपका व्हील स्टॉप होता है। लेट्स कंटिन्यू टू स्टेप टू। एंड इसके लिए आपको थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करनी है एंड फिर ब्रेक मारनी है, बिकॉज इसमें स्टॉप ही आपकी ज्यादा ईजी रहेगी। सो लाइक दिस इज एंड ब्रेक। आप देखते हैं थोड़ा सा व्हील आगे तरफ जा रहे हैं, फिर से हम ट्राई करेंगे एंड ब्रेक। ये थोड़ा कम गया, 3-2-1। नाउ वी विल ट्राई दिस अगेन। फुल ब्रेक मारनी है थोड़ी सी स्पीड में। अभी आपने देखा दिस वॉज अनकंट्रोल्ड, बिकॉज मैंने पहले ब्रेक मारी वो स्टॉप ही नहीं लग रही थी, मैंने अभी ब्रेक मारी ये मेरे को ऊपर जा रही थी। एंड एक चीज़ ऐसी भी हो सकती है कि आप पलट भी सकते हैं। नाउ विल सी द नेक्स्ट स्टेप। एंड इसमें आपकी जो अपर बॉडी होती है इसको आपको स्टिफ रखना पड़ता है, बिकॉज अभी अगर आप देखेंगे मैं समझ लो इसको थोड़ा सा सॉफ्ट रखता हूँ, ऐसे रखता हूँ एंड ब्रेक दबा देता हूँ, मैं आगे तो गिरना स्टार्ट हो जाता हूँ पीछे। हाँ, एक और चीज़ का ध्यान रखे, पीछे देख के स्टॉप ही मारे, ये तो एम्प्टी रोड है तो मुझे पता है पीछे कुछ भी नहीं है। नाउ विल ट्राई दिस अगेन। मैं अबव ढीली बॉडी से आपको करके दिखाता हूँ स्टॉप भी कि क्या होता है। आप फुल स्पीड पे जा रहे हैं, आपने फुल ब्रेक दबा दी लेकिन आप आगे तक गिर गए। सो आपकी जो सारी एनर्जी है बॉडी की दैट गेट्स वेस्टेड, सारी आपकी यहाँ पर जाती है। तो आपकी जो अपर बॉडी होगी दैट शुड बी स्टिफ एंड हम सेम चीज़ ट्राई करेंगे विद अ स्टिफर बॉडी। एंड 3-2-1 एंड लुक एट दिस। जैसे बॉडी थोड़ी सी स्टिफ्ट हो जाती है आपकी स्टॉप ही लगने स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आपको फुल स्टिफ्ट नहीं करनी है, थोड़ा सा आपको बेंड तो रखना ही रखना है, बॉडी बैलेंसिंग के काम आएगा। लेकिन ये नहीं करना कि आप पूरा ढीले हो जाओ, तो वो तो सारी एनर्जी चली गई। नाउ बिफोर आई टेल यू द स्टेप 3, उससे पहले आप मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर मैं ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाता रहता हूँ, इवन ऑन द यूट्यूब शॉर्ट्स एंड इवन मेरा आप इंस्टाग्राम रील भी चेकआउट कर सकते हैं, बिकॉज ये वाला जो स्टंट है वो आपको 60 सेकंड्स के अंदर करना भी सिखाऊंगा। मैंने हाउ टू व्हीली वीडियो भी बनाई हुई है, मैंने हाउ टू स्टॉपी ऑन अ फैट बाइक वीडियो बनाई है हाइड्रोलिक ब्रेक्स के साथ। एंड साथ में मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सिंगल स्पीड बाइसाइकिल में व्हीली कैसे करना है वो भी सिखाया हुआ है। सारी चीज़ें आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। नाउ लेट मी जस्ट टेल यू कि आपको क्या क्या पोजीशंस रहनी चाहिए। आपको जो हैंडल बार होना चाहिए दैट शुड बी हाई इनफ या मीडियम पोजीशन भी रख सकते हैं। लेकिन आपको जो सीट रहेगी वो हमेशा लोअर रखेंगे। सो यू गॉना ओपन दिस एंड लोअर दी सीट लाइक दिस। ये जितनी लोअर होगी उतना ही आपका फायदा है। द रीजन इज दैट कि समझ लो आप स्टॉपी कर रहे हैं, तो आपने इतनी सी स्टॉपी कर ली, नॉर्मल सीट पे आप ऐसे करेंगे। लेकिन अगर आपने और स्टॉपी कर दी और आपकी सीट हाइट ऊपर रही तो आप पलट भी सकते हैं। लेकिन आपकी सीट हाइट अगर नीचे की तरफ है तो आप इजिली अपने हिप्स को पीछे की तरफ जा सकते हैं एंड इससे आपकी जो स्टॉपी होगी गिरने के चांसेस कम रहेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्टेप एंड दिस इज कॉल्ड एज अ 45-degree रूल। ये मैंने आपको पुरानी वीडियो में भी दिखाया था हाउ टू स्टॉपी की, जिसमें आपको जो पैर होता है वो ऐसे करके पीछे रखना है आपको एंड साथ अपनी साइकिल को पीछे की तरफ पुश करना है। समझ लो ऊपर की तरफ पुश करते हैं तो आपका सीधा पैर ऊपर की तरफ आ जाता है, आप पीछे की तरफ पुश करते हैं एंड साथ साथ ऊपर की तरफ पुश करते हैं। दिस इज द टेक्निक, पीछे भी एंड ऊपर भी, तो उसकी आपकी जो बाइसाइकिल है वो ऊपर आना स्टार्ट हो जाती है। साथ साथ आपको जो हैंडल बार है उससे भी आप थोड़ा सा फोर्स रखेंगे एंड ऐसे करके लाएंगे। इसके बिना भी स्टॉपी लग सकती है, लेकिन अगर आप इसके साथ स्टॉपी लगाएंगे तो आप धीरे स्पीड पर भी स्टॉपी कर सकते हैं। मैं आपको एक बार यहाँ पर करके दिखाता हूँ बिना ब्रेक के मैं कैसे इसको पुल कर सकता हूँ पीछे वाले व्हील को। अगेन एक जो लाइट वेट साइकिल होती है उससे भी आपको फायदा मिलता है स्टॉपी करने में, बिकॉज थोड़ी सी लाइट हो जाती है। नाउ ब्रेक एंड पुल फॉरवर्ड। नोटिस इज दिस पॉइंट, जो मेरी स्पीड है दैट इज मच लोअर। मैं हाई स्पीड भी स्टॉपी कर सकता हूँ, उससे थोड़े से पलटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आपको सिर्फ इन चीजों को प्रैक्टिस करना है, योर स्टॉपी विल बी एपिक। एंड लुक एट द स्पीड, बहुत ही धीरे है। फुल ब्रेक एंड फॉरवर्ड लंच।
मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ स्टॉपी करने का, दिस इज डेफिनेटली डेंजरस। इसमें क्या है, आपकी बॉडी है ना आगे की तरफ रखो, पहले पीछे की तरफ रखो एंड फिर उसको आगे की तरफ मूव करो आफ्टर प्रेसिंग ब्रेक्स। हम इसको भी एक बार चीज करेंगे साथ साथ, मेरा 45 डिग्री रूल तो चल ही रहा है। एंड 3, 2, 1 पीछे की तरफ, ब्रेक आगे की तरफ। जब आपकी जो स्टॉपी होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी तो आपको थोड़ा सा पीछे की तरफ भी जाना है, मतलब आपकी जो हिप्स हैं वो टूवर्ड्स द सीट आएंगी। हम स्टॉपी मार के व्हील रोटेट करने की कोशिश करेंगे, दिस काइंड ऑफ अ वेरिएशन ऑफ द स्टंट। एंड 3, 2, 1 ये फेल होने वाली चीज है यहाँ पर। लेट्स डू इट अगेन, 3, 2, 1 और बहुत सेक्सी हुआ है ये, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मैंने इवन ट्रैक में ट्राई करने की कोशिश करी थी, मुश्किल हो गया था। नाउ द थिंग इज दैट ये मैंने रिसेंटली डिसर्व किया इन दिस टॉपिक थिंग। अगर आप यहाँ पर देखेंगे साइकिल में लॉकआउट आता है। नाउ जो आपका सस्पेंशन है जो मैंने अभी परफॉर्म किया उसमें मैंने लॉक रखा था, दैट मीन्स को अगर आप लॉक करके रखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। नाउ वी लर्न कि अगर हम गिर जाएं साइकिल से तो कैसे सेव होना है। फर्स्ट थिंग इज दैट मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा सीट नीचे रख दी है, इससे बेल आउट करने में ईजी रहेगा। सेकेंड इज दैट कि जब आप ऊपर जाएंगे अपने जो दोनों पैर होते हैं, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, इसके ऊपर से लेके जाने में कैसे करूंगा, मैं डर लग रहा है करने में, सोफे से गिरने वाला हूँ, सीधा मुंह पे गिरूंगा। पैर आपने ऐसे दोनों तरफ आगे तक निकाल देने हैं एंड जैसे ही आप पलटेंगे तो आपको जो व्हील है वो आपको ऐसे करके होल्ड कर देना है, क्योंकि अगर आप गियर की साइड पे गिर गया दैट वुड बी डेंजरस। लेकिन इसमें अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर गियर प्रोटेक्शन आपको मिल जा रहे हैं। आई विल काइंड ऑफ सिमुलेट कि गिरने में क्या होगा, नहीं जा रहा ब्रेन उस मोड में गिरने के। ओके बहुत देखिए, अगर साइकिल में किसी चीज से डर लगे ना उसको करके देखो, जो हमने बड़े इजीली कर लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा मुझे। दैट इज दिस थिंग, अगर आप गिरने लगो ओवर द बार्स आ जाओ, पैर बाहर निकाल लो एंड आप बच जाओगे। नाउ इट इज टाइम टू चेक दिस बाइसाइकिल, दिस इज द काया स्प्लिट रीलोडेड। इट इज एक्चुअली द नेक्स्ट मॉडल फॉर द काया स्प्लिट जो कि हमने पिछली बार रिव्यू करी थी, दैट वाज द प्लस साइज मॉडल, दिस इज द एमटीबी मॉडल। व्हेन आई वाज अनबॉक्सिंग इट तो मैंने सबसे पहले इसकी सीट देखी, दिस लुक्ड काइंड ऑफ प्रीमियम बिकॉज जो मुझे बताया गया था दिस वुड बी अंडर 20,000 रुपीज बाइसाइकिल, एंड उसमें ऐसे सीट पोज देखना वाज डेफिनेटली अ डिफरेंट थिंग फॉर मी, बिकॉज पहले जो 10,000 रुपीज की बाइसाइकिल्स आती थी वो आजकल 20,000 रुपीज की आ रही है, दैट मीन प्राइस डबल हो चुका है। उसके बाद आई सॉ द क्रैंक एंड इसमें देखा प्रो व्हील का क्रैंक है, एंड दिस इज द क्रैंक जो मोस्टली सारी बाइसाइकिल्स में आता है, इवन द एक्सपेंसिव वंस उसमें भी प्रो व्हील के आते हैं। द नेक्स्ट थिंग वॉज द पेंट विच एक्चुअली सरप्राइज मी, बिकॉज मैं बहुत क्लोजअप से देख रहा था एंड द फिनिश ऑन दिस पेंट वॉज डेफिनेटली वेरी प्रीमियम, मतलब ऐसा जो पेंट है मैंने इस कैटेगरी में डेफिनेटली नहीं देखा है। दिस हैज ड्यूल कलर्स, अगर आप सामने देखेंगे दिस इज ब्लू एंड पीछे से देखेंगे ब्लैक, तो आपको दोनों ही डिफरेंट पर्सनैलिटीज दिखती है। मतलब बाइसाइकिल मुझे इतना ज़्यादा पसंद आ रही थी, मैंने इसकी रील डाली थी सीधा, एंड यू वोंट बिलीव वी इसमें 90,000 व्यूज आ गए इन जस्ट 13 आवर्स। एंड ये मेरे सेकंड चैनल पे हाल था, मेन पे भी नहीं। जनरली व्हेन यू सी अ फ्रेम तो आपको तीन साइड दिखते हैं, एक साइड की, एक टॉप की एंड एक बॉटम की, लेकिन जैसे मैंने इसको पास से देखा तो मुझे एक और लाइन दिख रही थी, डेफिनेटली लाइक अ कार जिसमें आपको एजेस मिल जाते हैं। द कंपनी ऑल्सो टोल्ड मी इसमें क्रोमेट कन्वर्जन कोटिंग लगाई है, दैट टू बिफोर द पेंट, उससे आपकी जो फिनिश होती है वो इंप्रूव हो जाती है एंड इवन आपकी कोरोजन प्रोटेक्शन भी ज्यादा इंप्रूव होती है। इट ऑल्सो गेट्स वाटर स्लाइड डिकैल्स एंड द टॉप कोट इज ऑल्सो यूवी प्रोटेक्टेड। नाउ लेट्स चेक द स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस बाइसाइकिल। द वेट एंड स्टिफनेस आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द बाइसाइकिल, लाइक द स्टंट बी परफॉर्म उसके लिए स्टिफ बाइसाइकिल की जरूरत पड़ जाती है, बिकॉज नॉर्मल बाइसाइकिल इसमें जल्दी ब्रेक हो जाती है। दिस गेट्स अ 6061 एल्युमिनियम एलॉय फ्रेम व्हिच मेक्स द बाइसाइकिल लाइटर एंड स्टिफर। यू ऑल्सो गेट ड्यूअल मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स इन दिस बाइसाइकिल। द हैंडल बार इज ऑल्सो वाइडर एज कम्पेयर टू द बाइसाइकिल्स इन दिस सेगमेंट। द टायर्स आर फ्रॉम हार्टेक्स, एंड आजकल मैंने देखा है हर जो इंडियन बाइसाइकिल होती है जो असेंबल होती है इंडिया में या फिर प्रोड्यूस होती है उसमें आपको हार्टेक्स के टायर्स ही मिलते हैं। द वर्जन दैट आई हैव ओवर हियर इज अ 29er, लेकिन इसमें आपको 27.5 का भी ऑप्शन मिल जाता है। द क्रैंक एज आई टोल्ड यू दिस इज फ्रॉम प्रो व्हील, गियर्स आर ऑल्सो फ्रॉम शिमानो, द मॉडल इज TZ500। That I noticed was that जब मैंने इसका क्रैंक घुमाया तो आई वॉज फीलिंग द स्मूथनेस, काफी सॉफ्ट था। देन नोटिस जो इसके व्हील्स है उसमें आपको सील बेयरिंग मिल जाते हैं, दैट मींस दिस इज डेफिनेटली इजी टू पेडल। इट इवन गेट्स द फ्रंट क्विक रिलीज एंड यू कैन ऑल्सो सी यहाँ पे सस्पेंशन लॉकआउट का फीचर भी मिल जाता है। Difference in between the Kaya Split and the Split Reloaded is the fact that कि वो वाली आपकी प्लस साइज थी एंड ये आपकी MTB है। Again of all, जो साइज है इसमें दोनों आते हैं, उसमें सिर्फ शायद सिंगल आता था। एंड द थर्ड द मेजर इंप्रूवमेंट है दैट आर द शिमानो गियर्स, क्योंकि उसमें आपको माइक्रोशिफ्ट मिल जाते थे एंड इसमें आपको शिमानो के गियर्स मिल जाते हैं। As you know, this channel is good only because it is unbiased. And मैं आपको इस वाली बाइसाइकिल की डिसएडवांटेज भी बताना चाहता हूँ। तो द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज दैट कि इसकी जो सीट का QR है दैट इज काइंड ऑफ अ डिफरेंट वन। अगर आप नोटिस करेंगे मैंने पीछे की तरफ इसको टाइट कर रखा है, क्योंकि जैसे मैं इसको फ्रंट की तरफ टाइट करूंगा ऐसे करके तो ये अच्छी तरह टाइट नहीं होता। अरे हो रहा है आपको,
नहीं हाँ ये था ऐसे स्टार्टिंग में टाइट नहीं हो रहा था, अब तो हो रहा है, मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में ठीक हो जाएगा, लेकिन दिस इज नॉट इनफ, मतलब ऐसा ये खुल सकता है जैसे मैंने आपको दिखाया, थोड़ा सा करके खुल रहा है, लेकिन अगर हम पीछे की तरफ इसको टाइट करके रखेंगे तो ये फिर भी टाइट रहता है, तो दिस वॉज डेफिनेटली डिफरेंट थिंग। मे बी इसका मॉडल अलग हो, ये अलग टाइप की क्लीज हो। द सेकंड डिसएडवांटेज इज दैट कि इसमें जो गियर्स है दीज आर डेफिनेटली बेसिक वंस, TZ 500 आते हैं जो कि बेसिक शिमानो गियर्स होते हैं। द कंपनी टोल्ड मी दैट जो उनको कॉस्ट थी वो काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव रखनी थी, एंड उसी रीजन से उन्होंने ये वाला जो गियर है इसमें दिया हुआ है, एंड दैट इज डेफिनेटली गुड इनफ, बिकॉज अगर मैं इस प्राइस में देखूँ तो यही गियर्स मिलते हैं, एंड अलॉय आपको नहीं मिलता, उसमें स्टील बॉडी मिलती है, सस्पेंशन लॉकआउट नहीं मिलता, काफी बेसिक साइकिल मिलती है, उस हिसाब से ये वाला जो बाइसाइकिल This is definitely an improvement in the price tag of under 20,000 rupees. Even इसमें दो आपको colors मिल जाते हैं, जो मेरा वाला color this is peacock blue with the black, and एक और आपको color मिलता था that is orange with the charcoal color. Now you would be thinking कि इसका price क्या है, मेरे पास यहाँ पे इसकी MRP है, so जो ये वाला version है मेरे पास इसकी MRP है 21,000 rupees, and इससे जो 27.5 वाला version है because ये 29er है, तो उसकी जो MRP है that is only 20,000 rupees. And the fact is that इसमें आपको free delivery मिलती है, घर पे आपके घर पहुंचाई जाएगी। ये वाला जो point है, हो सकता है मैं बाद में crop कर दूँ, पर checkout जरूर कर लेना, बिकॉज मैंने उनसे पूछा कि डिलीवरी मिलेगी, उन्होंने बोला येस हो सकता है वो मेरे लिए बोल रहे हो, मुझे अभी तक कंफर्म नहीं, सारों के लिए करेंगे, बिकॉज इस प्राइस में डिलीवरी देना दिस इज डेफिनेटली डिफिकल्ट, बिकॉज अगर आप नॉर्मल साइकिल लेंगे 4,000 रुपये सिर्फ डिलीवरी में लगता है, एंड इवन इस चैनल के लिए एक डिस्काउंट भी मिला है, तो अगर आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं तो उनके लिए जो 27.5 का मॉडल है दिस वॉज 79,990, दैट इज 18,000 रुपीज, एंड 29er जो मॉडल है दैट वुड बी लाइक 18,500 रुपीज। भाई 18,500 की ये 18,000 अफोर्डेबल है, डिलीवरी के साथ तो मेरे को लगता नहीं इम्पॉसिबल होगा। आई थिंक विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस मॉडल द काया माइट जस्ट लीड द बजट सेगमेंट, बिकॉज आई डोंट थिंक इस प्राइस में इस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कोई और साइकिल इस सेगमेंट में आती है। अगर आपको इस बाइसाइकिल के बारे में ज्यादा जानना है तो मेरा फोन नंबर भी ड्रॉप कर दूंगा, तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम पर चेकआउट कर सकते हैं दैट इज फैट बैक वैभव, एंड वीडियो पसंद आती है इसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को ये वाली साइकिल दिखानी है तो उनके साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं, इवन शॉपिंग का टेक्निक दिखानी है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं, एंड दिस फैट बैक वैभव साइनिंग ऑफ।